ऑटोमोबाइल की दुनिया में 2023 का बजवर्ड था ईवी, और देखिए 2024 का पहला महीना गुजरा भी नहीं है और अब तक की सबसे महंगी ईवी लॉन्च भी हो गई है। ब्रांड है रॉयल्स रॉयस स्पेक्टर और कीमत है 7.5 करोड़ रुपए। नहीं, गलती से नहीं कहा, इस ईवी के लिए आपको 7.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। एक ऐसे दौर में जब लोग महंगे होते फ्यूल से बचने के लिए ईवी का रुख कर रहे हों, ये पोजीशनिंग चौंकाती है। लेकिन फिर सामने आते हैं कुछ आंकड़े जो बताते हैं कि कार मार्केट में ब्रांड और लग्जरी प्राइस टैग पर हमेशा भारी पड़ जाते हैं। समृद्धि के सुपर हाईवे पे सुपर स्पीड से दौड़ते देश में कितनी तेजी से बदल रहा है लग्जरी ऑटोमोबाइल का बाजार। क्या ये ग्रोथ रेट इसी तरह जारी रहेगी? देश के अमीरों की दिलचस्पी किन गाड़ियों में है? इस सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे एफ्लुएंट इंडिया की इस चौथी कड़ी में। सीरीज की बाकी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर, टाटा ग्रुप की कंपनी JLR के इस ब्रांड ने 2023 में धमाकेदार सेल्स दर्ज की। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली ऐसी हजार कार तो कंपनी ने FY24 के फर्स्ट हाफ में ही बेच दी हैं। इस पीरियड में JLR की टोटल सेल्स देखें तो ये है करीब 2400 यूनिट। ये देश में JLR का बेस्ट हाफ ईयरली परफॉर्मेंस है। और सिर्फ JLR ही क्यों, मर्सिडीज बेंज, BMW, लेक्सस, वॉल्वो सभी कंपनियों के स्पीडोमीटर की सुई डबल डिजिट ग्रोथ पर घूम रही है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी के लिए इंडिया का लग्जरी ऑटो मार्केट सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लो पेनिट्रेशन। फिलहाल कुल ऑटो सेल्स में लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। आखिर इस ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन हैं? कौन लोग हैं जो इस लग्जरी कार्स को हाथों हाथ ले रहे हैं? इन वजहों को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र 2023 के लग्जरी सेल्स नंबर्स पर। ऑटो बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी जाटो डायनेमिक्स के मुताबिक 2023 में देश में करीब 43,000 लग्जरी कार्स बिकी। ये 2022 के मुकाबले 20% की ग्रोथ है। देश की एफ्लुएंट क्लास को जो टॉप 5 मॉडल्स पसंद आए हैं उनमें BMW और मर्सिडीज का दबदबा साफ तौर पर नजर आता है। और अब बात उन फैक्टर्स की जो इस लग्जरी कार मार्केट को रफ्तार दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की माने तो कोविड के बाद एस्पिरेशंस और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स में जबरदस्त बदलाव देखा गया है। ये चेंज इस सेगमेंट के बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स में से एक है। एस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस पर खुलकर खर्च करना अब आदत का हिस्सा बन रहा है। दुनिया भर में भले इकॉनमी खतरे के निशान को बार बार छूती नजर आती हो, लेकिन देश की इकॉनमी रॉबस्ट भी है, रेजिलिएंट भी। हाल ही में IMF ने भी कहा है कि 2027 तक इंडियन इकॉनमी जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के तौर पर सामने आएगी। स्टार्टअप कल्चर, स्टॉक ऑप्शंस और अच्छी कॉर्पोरेट सैलरीज भी लग्जरी सेगमेंट की इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। एक और बड़ा ड्राइवर जिसकी कम बात होती है वो है देश का बेहतरीन होता रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। बीते 9 साल में नेशनल हाईवे नेटवर्क करीब 60% बढ़ा है। शानदार एक्सप्रेस फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये भरोसा दिलाते हैं कि लग्जरी कार के साथ सफर सुहाना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का मजबूत इरादा करीब साल भर पहले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के लोकसभा में दिए इस बयान से भी झलकता है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। जाहिर है ये सारे फैक्टर्स लग्जरी कार बाजार को पंख भी देंगे और ऊंची उड़ान भी। कार्स की बात करते हुए बाइक बाजार को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। 2023 में हार्ले डेविडसन ने इंडियन मार्केट में धमाकेदार री एंट्री की। इसके साथ ही ट्रायम्फ ने बजाज के साथ हाथ मिलाकर हलचल मचाई। डुकाटी भी कह चुकी है कि वो इस साल 8 नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड पहले ही लीडर है और इनोवेशन पर फोकस भी कर रही है। यानी इंडिया का सुपर बाइक मार्केट भी लग्जरी कार बाजार जितना ही हॉट एंड हैपनिंग है। एफ्लुएंट इंडिया सीरीज में ये थी बात लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट की जो तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। सीरीज के पार्ट 5 में हम कवर करेंगे समृद्ध होते भारत की ओवरऑल बिग पिक्चर।
फिलहाल इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।